हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल स्नोरा, आप देख रहे हैं स्नोरा ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस के डीवीआर पे। कई बार आप टू कैमराज इंस्टॉल करते हैं एचडी, आपको उसकी क्वालिटी में मजा नहीं आता है और आप चाहते हैं कि हमें आईपी ऐड करना है या लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कैमरा लगाना होता है तो वहाँ पे एचडी काम नहीं करता है। ठीक है, आपको 150 मीटर दूर कुछ कैमरा लगाना है डीवीआर पे तो वो 150, 250, 200 मीटर दूर कैमरा एचडी वाला काम नहीं करता है। वक्त मैक्सिमम होता 120 या 110 मीटर वो प्रॉपरली वर्क करता है। उससे ऊपर अगर आपको बढ़ाना हो तो 150 मीटर कई लोग चला देते हैं, 150 पे भी चलाते हैं तो बैलून के थ्रू, तो उसमें क्या होता है आपको मेंटेनेंस बहुत आता है, कंप्लेंट बहुत आती है। आपका जो शोरूम है या आपका जो घर है वहाँ पे डीवीआर इंस्टॉल है, आपको गुडाउन पे या कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कैमरा इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे आप आईपी इंस्टॉल कीजिए। आईपी इंस्टॉल होने से क्या होगा कि आपके डीवीआर पे ही वो एनवीआर बन जाएगा और आपकी आईपी वहाँ पे आईपी कैमरा एड ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी और उसके कुछ वायर कनेक्शन होंगे और उसके लिए आपके पीओई स्विच का यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, कैसे कनेक्शन होने, कैसे उसमें वायर कनेक्ट करनी, मैं आपको सब बताऊंगा। और तो फ्रेंड, इसके लिए मैंने लिए हैं दो आईपी कैमरे और दो एचडी कैमरे। देखिए, दो एचडी कैमरे जो हैं ये बीएनसी से जुड़ के पावर सप्लाई के कनेक्टर लगे हुए और डीवीआर पे लगे हुए हैं। साथ में दो आईपी कैमरे हैं, ये दो आईपी कैमरे, इन दोनों को मैंने अपना जो पेज कोड है पेज कोड की मदद से कनेक्ट कर लिया और ये दोनों मैंने पीओई में डाउन लिंक होता है, डाउन लिंक के जो 4 पोर्ट होते हैं इन पोर्ट में डाल दिया। और ये अपलिंक का पोर्ट है, अपलिंक की केबल मैंने निकाल के आपका लगा के यहाँ पर अपलिंक पर लगी हुई है और इधर इसका यहाँ एनवीआर डीवीआर पे लगा दिया, डीवीआर के लैन पोर्ट पे। अगर आप यहाँ पे राउटर यूज करते हैं तो आप इसको इस केबल को राउटर पे लगाएंगे और राउटर से आउटपुट लगा के यहाँ निकालेंगे, राउटर या कोई नॉर्मल स्विच यूज करेंगे तो उससे आउटपुट यहाँ आएगा। तो अभी क्या करना, देखो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने किया अपना डीवीआर को ऑन और यहाँ पे दो केबल लगी हुई है अपने एचडी कैमरे की और आईपी कैमरा भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अभी स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपको डीवीआर ऑन करने के बाद। जैसे कि आपको जो मैनुअल सेटअप होता है डीवीआर का, अगर आप नया यूज कर रहे हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आपको अगर ऑलरेडी सेटअप है आपका लगा हुआ पहले से उसमें ऐड करना है तो आपको सिर्फ स्विच से डीवीआर को कनेक्ट करना है और स्विच के साथ डाउन लिंक से कैमराज कनेक्ट करने हैं। कैमरा कनेक्ट करने के बाद देखिए, जैसे कि आपके सामने डीवीआर का जो इंटरफेस आ रहा है इसका वेट करते हैं पहले। फ्रेंड, जैसे कि अभी इसमें देखिए तीन कैमरे चल रहे हैं, तीनों एचडी कैमरे चल रहे हैं, तो हम इसको करते हैं आईपी में जो हमें दो कैमरे ऐड करने हैं तो ये जो दोनों ऑप्शन नीचे वाले हैं 3 नंबर 4 नंबर इनको हम आईपी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको चेंज करना होगा अंदर सेटिंग, जो चैनल टाइप है चैनल बदलने होंगे। तो कैसे बदलते हैं, आप राइट क्लिक कीजिएगा, मेन मेन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, अपना जो पासवर्ड या पैटर्न जो भी आप डाल के लॉगिन कर लेंगे जो भी मांगता है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे कैमरास वाले में ऑप्शन में, यहाँ आपको 6 ऑप्शन मिल रहे हैं तो यहाँ पे किसी में ये ऑप्शन नहीं होता चैनल अपडेट का, और यहाँ पे ऐड आईपी कैमरा का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन में जाना आपको चैनल टाइप में, और यहाँ से देखिए ऑटो में 4 सिलेक्टेड है और यहाँ दिखाया है 5 से 5 आईपी कैमरा। ठीक है, आईपी कैमरा अगर हम यूज करना तो 5 पोर्ट यूज कर सकते हैं और अगर हमें टोटली 5 कैमरा यूज कर सकते हैं, आईपी भी 5 हो सकते हैं और एचडी 4 और एक आईपी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे नोट दिया हुआ है सारा, हमें यूज करना है आईपी 2 कैमरा, तो हम 4 नंबर पोर्ट में और 3 नंबर पोर्ट में यूज करेंगे। तो हमने 3 और 4 में यहाँ पे क्लिक कर दिया आईपी वाले सेक्शन में इधर नीचे, और इनमें से कहीं क्लिक रहेगा तो सारा एचडी ही चलेगा। एचडी के जो डिफरेंट मोड होते हैं, ये देखो ऑटो, इसमें सारे मोड ले लेता अपने आप, यहाँ पे सीबीआई पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका जो है एएचडी और इधर सीबीआई सीबीबीएस और यहाँ टीबीआई। ठीक है, इनमें रहेगा तो ये मोड चेंज होगा सिर्फ और यहाँ से आईपी में कन्वर्ट जाएगा। तो हमने 4 नंबर और 3 नंबर को आईपी में कन्वर्ट किया और देन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज होगा, इस मैसेज को आपको ओके करना है, देन आपका ये जो डीवीआर है ये प्रोसेसिंग सेव करने के लिए जो हमने सेटिंग अभी अप्लाई की है उसको सेव करने के लिए रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद देन ये वापस चालू होकर जो उसके दोनों पोर्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो तब तक हम वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का। तो अभी देखिए स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जो डिस्प्ले आ चुका है, देखिए दो कैमराज जो आपको दिख रहे हैं अप साइड में, ये वाला और ये वाला, ये एचडी कैमराज है और जो नीचे दो है ये आईपी कैमराज के ऑप्शन इसमें इनेबल हो चुके हैं। तो हम इनको अभी कर लेते हैं स्टेबलाइज पहले कैमरों को। तो इसके लिए हमें मेन मेन्यू में जाना है और आपको जाना है ऐड आईपी कैमरा, जो अभी हमने इनेबल किया था, ये ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा था, ये आ गया इसमें। और देखिए दो आईपी आ रही है, दोबारा सर्च करते हैं तो यहाँ पे दो आईपी दिखाई दे रही है, इनको हम स्टेबलाइज करके देखते हैं पहले। वेट करते हैं सर्च को, ये आ गया आईपी 19.1.250। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन पे क्लिक करना है, डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे पहले दोनों को,
और फिर यहाँ से स्टोरेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से पासवर्ड सेम रहेगा, जो DVR का पासवर्ड है वही पासवर्ड। IP हमें यहाँ पर करना है 250 की जगह पर, यहाँ पर हम करते हैं 225 या 25 कर देते हैं 25। देन ये 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। यहाँ पर IP का जो डिस्टेंस आएगा, वैल्यू कितनी करनी है, मतलब 25 का 26 आना चाहिए कुछ और आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर आप एक कैमरे की एक से ज़्यादा कैमरे इंस्टॉल करते हैं तो एक के बाद एक मुझे कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 का डिफरेंस, जैसे 25 का 26 आएगा दूसरे कैमरे का IP। अगर हम चाहते हैं इसका 25 आए और इसका 50 आए, तो यहाँ 5 डालना पड़ेगा, 5 का डिफरेंस, तब यहाँ 50 आएगा। तो हमने एक एक का डिफरेंस डाल दिया और सेम स्टैटिक IP रहेगी। इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करके थोड़ा सा टाइम लेगा। पासवर्ड हमारा जो DVR का पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसने पासवर्ड ले लिया कैमरे ने, और यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर यहाँ से दोबारा से हम सर्च करेंगे। एक बार सर्च करने के बाद देखिए दोनों कैमरे आपके सामने आ गए हैं। अब इनको हमने सिंपली ऐड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करना है, दोनों कैमरे सेलेक्ट हो गए, और इसको यहाँ पे हमें ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते देखिए नीचे ऐड हो गए, ऐड ऑन लिस्ट में आ गए। यहाँ पे देखिए ग्रीन आइकन हो गया स्टेटस, तो मतलब ये कैमरे आपके ऐड हो चुके हैं, प्रॉपरली चलने लगे हैं। तो बाहर चलते हैं, डिस्प्ले पे देखते हैं। देखिए दो कैमरे आ गए नीचे वाले में, पहले हमारे दो ही कैमरे थे, अब ये देखिए दो कैमरे आ गए। एक कैमरा ये और एक ये, दोनों इनमें दोनों पॉली चली हुई, पॉली में हटाई हुई है। ठीक है, दोनों वाई फाई कैमरे, तो ये दोनों कैमरे आपके सामने आ गए। पहले जो चल रहे थे ये वाले, ये आपके हैं HD कैमरे जो ऊपर वाले सेक्शन में है। इनके सामने देखिए जो दिख रहा है ये IP कैमरे, एक कैमरा ये वाला है और दूसरे का दूसरा कैमरा ये वाला है। तो इस तरीके से इनको ऐड करना है। ठीक है, IP कैमरे दोनों यहाँ पर ऐड हो गए, और अब हम बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इससे आपका जो प्रॉब्लम है DVR में IP कैमरा को ऐड करने का, शायद सॉल्यूशन इसका आपको मिल गया होगा। और फिर हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में IP कैमरा और HD कैमरा में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बेटर है, कौन सा हमें लगवाना चाहिए या कौन सा नहीं लगवाना चाहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप वॉच करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार आते हैं हमारे चैनल पर वॉच करने के लिए, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो चलते हैं, बाय बाय।